हेलो स्टूडेंट वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस देखो बेटा हमने देखो बेटा हमने डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो चैप्टर नंबर नाइन स्टार्ट किया है प्रीवियस वीडियो में हमने प्लानिंग के मीनिंग और उसके जो अप्रोचेज हैं उनके बारे में स्टडी की थी कि कोई भी देश बगैर प्लानिंग के आर्थिक विकास है वो नहीं कर सकता इसलिए जो प्लानिंग है वो बहुत ज़रूरी है अब प्लानिंग में क्या होता है कि कुछ एक पर्टिकुलर जो एरिया होते हैं वो एरिया डिसाइड कर लिए जाते हैं और उन एरियाज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर या आर्थिक विकास के ऊपर जो विशेष ध्यान है वो दिया जाता है अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि लक्ष्य क्षेत्र नियोजन टारगेट एरिया कि टारगेट एरिया को टारगेट कर लेना कि भाई इस एरिया में डेवलपमेंट है वो पीछे है या ये एरिया है वो विकास में पिछड़ा हुआ है तो इस एरिया को टारगेट करते हुए इसको इसमें विकास है वो ज्यादा करना है या इसको विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है तो किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधन आधारों पर निर्भर करता है कि किसी भी क्षेत्र का एनी एरिया उसके जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है आर्थिक विकास है वो उसके जो संसाधनों का जो आधार है कि वहाँ पर संसाधन एक्सेस में है या एवरेज है या बिल्कुल भी नहीं है ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि उस क्षेत्र में संसाधन है वो कितने मात्रा में पाए जाते हैं निर्भर करता है लेकिन कई बार संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र भी लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस एरिए में आपके रिसोर्सेज हैं कि काफ़ी एक्सेस क्वांटिटी में वहां पर रिसोर्सेज हैं लेकिन फिर भी जो वो एरिया है वो विकास में पीछे है वो रह गया है यानी पिछड़ पिछड़े रह जाते हैं आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए संसाधनों के विकास के साथ साथ तकनीकी ज्ञान यानी टेक्नोलॉजी नॉलेज तकनीकी ज्ञान और पूंजी ठीक है की भी आवश्यकता होती है यानी आर्थिक विकास के लिए आपको संसाधनों के साथ साथ संसाधन तो आपके पास होने ही चाहिए संसाधनों के साथ साथ आपको तकनीकी ज्ञान ठीक है तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी नॉलेज और पूंजी यानी पैसा की भी जरूरत होती है भारत में पहली तीन पंचवर्षीय कि भारत में जो प्लानिंग है वो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से है वो स्टार्ट की गई थी कि पांच पांच साल के ईयरसली प्लानर है वो डिसाइड किए गए थे कि हमें इस क्षेत्र में इतना डेवलपमेंट करना है इस क्षेत्र में इतना डेवलपमेंट करना है तो भारत में जो स्टार्टिंग की थ्री फाइव ईयर्स जो प्लानिंग थी यानी पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के अनुभव यानी उनके एक्सपीरियंसेस से हमने महसूस किया कि पहली तीन योजनाओं के जो एक्सपीरियंस हैं, जो अनुभव है उनसे हमने महसूस किया कि किया कि किया आर्थिक विकास में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्षेत्रीय विषमता और ज्यादा बढ़ती जा रही है यानी क्षेत्रों में जो विषमताएं हैं डायवर्सिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज है वो होती जा रही है यानी डेवलप और अनडेवलप एरिया का जो गैप है वो गैप और ज्यादा बढ़ता जा रहा है ये फर्स्ट थ्री जो फाइव इयर्स प्लानिंग थी उन फर्स्ट थ्री फाइव इयर्स प्लानिंग्स के दौरान हमने इस बात को ऑब्जर्व है वो किया विकास का फल ठीक है विकास का फल आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्र यानी जो क्षेत्र यानी जो एरिया इकोनॉमिकली एंड सोशियली ठीक है आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पीछे रह गए हैं पिछड़ गए हैं और लोगों और लोगों में विशेष रूप से स्त्रियों को उस हिसाब से नहीं मिल पाया जिसकी उम्मीद थी कि आर्थिक विकास का जो लाभ है आर्थिक विकास का जो फल है उस वो आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े क्षेत्र थे कि जो आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए क्षेत्र थे विकास की दौड़ में काफी पीछे थे वो ठीक है वो एरिया और विशेषते स्त्रियों को उस हिसाब से नहीं मिल पाया जिस हिसाब से उनको मिलने की उम्मीद थी स्त्रियां भी हैं वो क्या विकास के मामले में काफी पीछे हैं क्योंकि भारत क्या है वो एक पुरुष प्रधान समाज है या पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है स्त्रियों को महत्व है वो ज्यादा नहीं दिया जाता जो फर्स्ट थ्री फाइव इन प्लानिंग थी उनमें सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े क्षेत्र थे और महिलाओं की जो कंडीशन है उसको ये प्लानिंग किया गया था भाई इन क्षेत्रों में विकास होगा सामाजिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र में और महिलाओं की कंडीशन में ज्यादा सुधार है वो आएगा लेकिन जिस हिसाब से हमने उम्मीद की थी वह उम्मीद पूरी है वो नहीं हो पाई अतः प्रादेशिक और सामाजिक विषमता यानी किसी एक पर्टिकुलर एरिया और समाज की जो विषमताएं पाई जाती हैं को कम करने के लिए योजना आयोग ने योजना के दो नए उपमान यानी क्या है कि प्रादेशिक रीजनल एंड सोशल डाइवर्सिटीज डिफरेंशिएशन जो पाई जाती है विषमताओं को कम करने के लिए योजना आयोग ने ठीक है योजना आयोग ने योजना के दो नए उपमानों की योजना के दो नए उपमानों लक्ष्य क्षेत्र यानी टारगेट एरिया को प्रस्तुत किया लक्ष्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए यानी टारगेट एरिया को ध्यान में रखते हुए जो कार्यक्रम इस देश में ठीक है कि लक्ष्य एरिया को ध्यान में रखते हुए जो कार्यक्रम इस देश में बनाए गए उनमें कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो बनाया गया सूखा पर्वण क्षेत्र विकास यानी जहां सूखा पड़ता है उस क्षेत्र का विकास कार्यक्रम मरुस्थल क्षेत्र विकास कार्यक्रम ठीक है तथा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रमुख है यानी ये टारगेट एरिया में टारगेट किया गया कि ठीक है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये टारगेट है वो किया गया कि सूखा पर्वण क्षेत्र सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का विकास दूसरा मरुस्थल क्षेत्र विकास मरुस्थलों का क्षेत्रों का विकास पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये मेजर जो एरिया है वो टारगेट किए गए इसी प्रकार लक्ष्य समूह विकास को ध्यान में रखते हुए और इसी प्रकार जो लक्ष्य समूह विकास है यानी ग्रुप डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य समूह विकास को ध्यान में रखते हुए लघु कृषक विकास यानी छोटे कृषक ठीक है अभिकरण लघु कृषक विकास अभिकरण एस एफ डी ए तथा सीमांत ठीक है यानी मिडल के सीमांत कृषक विकास अभिकरण एम एफ डी ए जैसे कार्यक्रम चलाए गए ठीक है अब इसमें एक चीज आपके लिए जान लेना और भी जरूरी है कि भारत में नियोजन के उद्देश्य और सामाजिक लक्ष्य कि भारत में जो प्लानिंग है उसके उद्देश्य और जो सामाजिक लक्ष्य है ठीक है वो भारतीय संविधान में उल्लेखित जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ठीक है भारतीय संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है कि भारत में नियोजन को जो उद्देश्य है वो भारतीय संविधान में उल्लेखित निधि निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर उनको निर्धारित है वो किया जाता है और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी नहीं एक दूसरे का पूरक यानी एक दूसरे का सहयोगी है वो माना जाता है गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को ठीक है भारत में केंद्रीकृत नियोजन यानी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है भारत में अब केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली है भारत सरकार ने नियोजन का कार्य योजना आयोग को सौंप रखा है अब भारत में सेंट्रलाइज प्लानिंग है और भारत में प्लानिंग का जो कार्य है वो सरकार ने योजना आयोग को जो प्लानिंग करता है कि योजना आयोग को यह कार्य है वो सौंप रखा है कि आप इन इन की, या इस इस के लिए प्लानिंग है वो कीजिए कि ये जो एरिया है वो विकास में पीछे रह गए हैं कैसे इन क्षेत्रों का विकास है वो किया जा सकता है और इनको विकास की दौड़ से कनेक्ट है वो किया जा सकता है जिसका अध्यक्ष योजना आयोग को सौंप रखा है योजना आयोग एक वैधानिक संस्था है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है इसका एक उपसभापति और कुछ सदस्य होते हैं भारत में नियोजन समानते पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया जाता है और भारत में जो प्लानिंग है जो नियोजन है वो समानते फाइव ईयर्स प्लानिंग के माध्यम से किया जाता है यानी फाइव फाइव ईयर्स की जो प्लानिंग है वो बनाई जाती है अब देखो टारगेट एरिया के अंतर्गत जो एरिया टारगेट किए गए थे प्रोग्राम में जैसे लक्ष्य प्रेरित विकास के लिए नियोजन के लिए यानी टारगेट एरिया प्लानिंग में उसमें था पहले जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्र मरुस्थले विकास कार्यक्रम ठीक है और पर्वतीय विकास कार्यक्रम उसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब पर्वतीय विकास कार्यक्रम यानी हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम विशिष्ट पहाड़ी यानी कोई भी एक विशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम कि विशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र यानी हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ कि हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो पांचवी फिफ्थ फाइव इयर्स प्लानिंग में है ये स्टार्ट हुआ और इसके अंतर्गत उत्तराखंड अब इस एरिया के अंतर्गत यानी हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत उत्तराखंड मिकिर पहाड़ी असम की उत्तरी कछार की पहाड़ियां ठीक है असम की उत्तरी कछार की पहाड़ियां पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला तथा तमिलनाडु के नीलगिरी इत्यादि को मिलाकर तमिलनाडु के नीलगिरी इत्यादि को मिलाकर 15 जिले शामिल हैं यानी हिल एरिया डेवलपमेंट में 15 जिलों को शामिल है वो किया गया यानी पहाड़ी जिलों को शामिल है इसमें किया गया अब ये क्या है कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अब जो क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई थी पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने 1981 में सिफारिश की कि उसने यह सिफारिश की कि देश के उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को कि देश के उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों को शामिल कर लिया जाए कि उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को इस हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाए जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है कि एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत देश के उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को शामिल है कर लिया जाए जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और जिनमें जनजातीय उपयोजना लागू नहीं है और जिनमें जो जनजातीय उपयोजना है उसको लागू है वो नहीं किया गया कि उनको भी इस हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में है वो शामिल कर लिया गया कर लिया जाए यह राष्ट्रीय समिति ने सिफारिश की जो पिछले क्षेत्रों के विकास के लिए बनाई गई थी ठीक है इस राष्ट्रीय समिति ने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए अब ये जो राष्ट्रीय समिति थी इसने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए जो सुझाव दिए कि भाई ऐसे ऐसे काम करो तो इन पहाड़ी क्षेत्रों का विकास जो सजेशन दिए कि इस तरीके से अगर आप वर्क करेंगे या इन इन चीजों को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट है वो किया जाए तो इन पर्वतीय क्षेत्रों का विकास है वो हो सकता है उनमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा गया था कि उनमें जो निम्नलिखित बातें हैं उन बातों का ध्यान है वो रखा गया था पहला इस कार्यक्रम को पहाड़ी क्षेत्रों के सभी लोगों को लाभ पहुंचे कि इस हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो लाभ है वो पहाड़ी क्षेत्र के सभी लोगों को इसका लाभ पहुंचे न कि कुछ विशेष या न कि केवल प्रभावशाली या कुछ विशेष व्यक्ति हैं वही इनका लाभ उठा सके यानी इस प्रोग्राम के अंतर्गत यह कहा गया कि पहाड़ी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उन सभी को इस कार्यक्रम का लाभ है वो पहुंचना चाहिए किसी विशेष व्यक्तियों को नहीं स्थानीय संसाधनों व प्रतिभाओं का विकास हो सके कि इससे जो स्थानीय संसाधन है कि उस एरिया में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है और जो टैलेंट अवेलेबल है वहां के लोगों का उस लोगों में उस टैलेंट का यानी उस प्रतिभा का प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट है वो हो सके पहाड़ी लोग अपनी जीविका निर्वाह कि पहाड़ी लोग सिर्फ इस तरीके की इकोनॉमी को चलाते हैं जिससे उनका सिर्फ जीवन की आवश्यकता पूरी हो जाए कि जीवन उनका चल सके जीवन का पहाड़ी लोग अपनी जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश बनाए कि उसको निवेश उन्मुखी बनाए वे कुछ लाभ कमाना सीखे कि उसमें कुछ वो निवेश करें कुछ उसमें इन्वेस्ट करें जिससे वो लाभ जीवन निर्वाह के साथ साथ वो लाभ कमाना भी है उस अर्थव्यवस्था से सीखें प्रादेशिक व्यापार इंटर रीजनल ट्रेड ठीक है प्रादेशिक इंटर रीजनल ट्रेड में पिछड़े जो पीछे रह गए हैं विकास में अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों का शोषण न होने पाए कि जो पर्वतीय क्षेत्र विकास में पीछे रह गए हैं इंटर रीजनल ट्रेड के द्वारा उनका शोषण है वो न हो पाए पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो क्षेत्र विकास में पीछे रह गए हैं पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना यानी मजदूरों को लाभ पहुंचाना पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना यानी इकोसिस्टम है उसको बैलेंस रखना यानी पारिस्थितिक संतुलन न विकास है वो इस तरीके से किया जाए कि जो पारिस्थितिक संतुलन है वो भी बना रहे पारिस्थितिक संतुलन में किसी प्रकार से कोई कमी न आने पाए इस कार्यक्रम इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय लोगों को पशुपालन यानी जो वहां के लोकल लोग थे उन स्थानीय लोगों को पशुपालन ठीक है मधुमक्खी पालन मुर्गी पालन मृदा संरक्षण वृक्षारोपण तथा उद्यान खेती इत्यादि का प्रशिक्षण देकर तथा उन्हें इन कार्यक्रमों में शामिल करके स्थानीय संसाधनों का दोहन करना था था कि ये जो कार्यक्रम हिल एरिया डेवलपमेंट ये वहां के लोगों को मधुमक्खी पालन ठीक है पशुपालन ये सब काम सिखा के जो स्थानीय वहां के संसाधन थे वहां के जो लोकल रिसोर्सेज थे उन लोकल रिसोर्सेज का दोहन करना था हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का ठीक है